नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बेस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पंजाब में नए मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि पंजाब में अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है और उन्होंने अपने नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन सा मंत्रालय किनके पास गया हुआ है। तो जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, तो चलिए पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और मुख्यमंत्री के साथ साथ इनके पास होम मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। और पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, और सामाजिक सुरक्षा महिला एवं विकास मंत्रालय जो है वो बलजीत कौर के पास है। पंजाब के पावर मिनिस्टर यानी कि बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह इटियो, और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर विजय सिंगला, और पंजाब के खाद्य मंत्री हैं लालचंद कटारुच, और पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं गुरमीत सिंह हैर, और ग्रामीण विकास मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, और पंजाब के परिवहन मंत्री हैं लाल सिंह बुल्लर, और पंजाब के जल मंत्री हैं ब्रह्म शंकर, और पंजाब में कानून एवं पर्यटन मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस। तो दोस्तों, पंजाब में करेंटली अभी 10 मंत्री ने शपथ लिया है और मुख्यमंत्री को लेके टोटल 11 मंत्रियों ने शपथ लिया है अभी तक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही जानकारी के लिए स्टडी वेव्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।